हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा चूड़ा। आप पहले ये आवाज सुने। इतना क्रंची पोहा बना के हम रेडी करेंगे सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल में, और 7 से 8 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा और ये बन के रेडी हो जाएगा। दिवाली स्पेशल इस चूड़े की रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलो बनाना शुरू करते हैं। यह मैंने एक पैन ले लिया, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। बहुत कम ऑयल में बनाएंगे पर बहुत टेस्टी और क्रंची बनता है ये। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें एक छोटी प्याज थी उसको लंबा लंबा कट कर दिया वो ऐड कर देंगे। ये एक हरी मिर्च थी वो कट कर लिया ऐड कर देंगे, और इसको थोड़ी देर तक भून लेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। मिर्च आप थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते तो अपने हिसाब से थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। देखिए हमने अच्छे से भून लिया, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम पीनट ऐड कर देंगे, ये 1 कप है। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। यहाँ बस आपको पीनट को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और सारी चीज़ें बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाएगी। इसमें हम कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है पोहे में। अच्छे से पीनट को भून लेंगे। देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद ये मैंने चने थे वो डाल दिए हैं, ये नारियल था वो कट करके डाल दिया है, काजू ऐड कर दिया है, और ये तीखी दाल नमकीन आती वो ऐड कर दिया है। आपके पास इसमें से जो चीज़ भी हो आप डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे कलर के लिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर तक अभी हमें और भूनना है। दिवाली में जहाँ बहुत सारा काम होता है तो ये चूड़ा बस 5 से 7 मिनट में आप बना के रेडी कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगा। मेहमानों को, घर वालों को, सबको बहुत पसंद आएगा। देखिए यहाँ हमने अच्छे से सारी चीज़ों को भून लिया। अब हम इसमें अपना पोहा ऐड कर देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप अच्छे से मिक्स करते जाएंगे वैसे ही हल्दी का कलर पोहे पे आता जाएगा और ये पीला होता जाएगा। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। पीनट और सारी चीज़ें जो हमने पहले डाल के भूनी उससे बहुत अच्छा क्रंची फ्लेवर आता है। आप इसे बना के स्टोर करके 1 महीने तक रख सकते हैं। फेस्टिवल हो या नॉर्मल आपको स्नैक्स के लिए कुछ खाना हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ हम थोड़ी देर तक पोहे को अच्छे से भूनेंगे तो इसमें भी बहुत अच्छा क्रंची फ्लेवर आ जाए। अब इस पॉइंट पे हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। मैं 1/2 टेबलस्पून के करीब कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से करें। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर तक सारी चीज़ों के साथ पोहे को मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल में बनाते हैं हम बहुत ही ईजी तरीके से, पर बहुत क्रंची बनता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो इस दिवाली ये ट्राई ज़रूर करिए। देखिए बनके रेडी है हमारा ये चूड़ा पोहा। मेरी रेसिपी आप ये फॉलो करके बनाएंगे सिर्फ 1 टेबलस्पून तेल में ना, तो ये ऑयली भी नहीं बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आप फेस्टिवल हो या ऐसे ही ट्राई ज़रूर करें, इसे बहुत ही इजी और अच्छा स्नैक्स है। वीडियो कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताओ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते बेल आइकन भी हिट कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।